हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल थोड़े दिन पहले जब मैंने शेयर किया था कि मुझे सी का सर्टिफिकेट मिल गया डेजिगनेशन मिल गया तो बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि मैंने कैसे अप्लाई किया और पूरा प्रोसेस बताऊं तो आज का वीडियो उसी के बारे में है और केस आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हम कैनेडा में रहते हैं प्रिंस जॉर्ज जो कि बी में है ब्रिटिश कोलम्बिया और ये जो मेरा चैनल है ये है व्लॉग चैनल तो मैं अपना डे टू डे लाइफ इन कनाडा बच्चों के साथ फैमिली के साथ कैसे स्पेंड करती हूँ वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ तो इनकेस यू आर इंटरेस्टेड आप दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हो और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो चलिए टू दी पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि सी पी एच आर डेजिगनेशन है क्या तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में जॉब करते हो या फिर बैक होम जिस भी कंट्री से आप आए हो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स में था और आपका एजुकेशन भी ह्यूमन रिसोर्स में है तो कैनेडा आने के बाद आप इस फील्ड में जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो तो काफ़ी बारी सी एच आर डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट होती है कैनेडा में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जिसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेशन या फिर डेजिग्नेशन लेने होते हैं उसमें से ही एक है ह्यूमन रिसोर्सेस सीपीएचआर का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड प्रोफेशनल इन ह्यूमन रिसोर्सेस ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डेजिग्नेशन नहीं है तो आपको एच आर फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी अगर आप एक्टिवली सर्च करते हो और आपका वर्क एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में है तो डेफिनेटली जॉब मिल सकती है बट डेजिग्नेशन मिलने के बाद चांसेज और भी ज्यादा हो जाते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी एच आर प्रोफेशन में हो तो आपके प्रोमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं आपको सैलरी हाइक मिल सकती है तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं और विद टाइम आप ये डिसाइड करते हो कि आपको एचआर फील्ड में ही रहना है तो ये डेजिग्नेशन डेफिनेटली आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सीपीएचआर कैसे अप्लाई किया मैं मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देती मैं जब इंडिया में थी तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है ह्यूमन रिसोर्सेज से वो भी डिस्टेंस लर्निंग सेम्बोसिस से कोई रेगुलर कोर्स नहीं था मेरा उसके अलावा मेरा फाइव प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस था रिक्रूटमेंट फील्ड में इंडिया में तो सीपीएचआई डेजिग्नेशन का जो प्रोसेस होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है क्योंकि

आपको सर्च करना है सीपीएचआर और फिर डालना है प्रोविंस का नेम फॉर एग्जाम्पल मैं बीसी में हूं तो मैंने सर्च किया था सीपीएचआर BC और ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगा आप उसके कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी वो जनरल ईमेल आईडी होगी बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी हेल्पफुल आपको डायरेक्टली उस पर ई करना है अपने पूरे डिटेल के साथ ये था वो पहला ईमेल जो मैंने किया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ है मैंने किस कंट्री से किया है मेरा वर्क एक्सपीरियंस कितना है और थोड़े दिनों में आपको रिप्लाई मिल जाएगा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जो आपका पूरा ये प्रोसेस हैंडल करेगा आप जब इनके वेबसाइट पे चेक करोगे तो डिफरेंट पाथ्स होते हैं CPHR के फर्स्ट सबसे कॉमन होता है जिसमें कि वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की डिग्री है प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी है पाथ टू वो होता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है बट आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगा वो आपको पूरे डिटेल में समझा देते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप कौन सा पाथ फॉलो कर सकते हो मैंने पाथ वन फॉलो किया था क्योंकि मेरे पास एच का सर्टिफिकेट भी था प्लस एक्सपीरियंस भी था अब आते हैं एग्जाम देना है या नहीं देना है ये कैसे डिसाइड होता है तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट देना होगा विच इज बेसिकली आपका जो इंडिया में एजुकेशन है या फिर जिस भी कंट्री से आपने एजुकेशन अपना

ह्यूमन रिसोर्सेज का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है उसको इवेलुएट कराया था वंस वो इवेल्युएशन आ गया मैंने उसका स्कैन करके ईमेल में ही अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भेजा उसके साथ ही उनको पूरी मार्कशीट चाहिए थी डिटेल मार्कशीट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि एचआर में आपने कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या किया है और उसमें आपको कितने मार्क्स आए हैं थोड़े टाइम के बाद मुझे ई आ गया था कि एज पर माई डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन और मेरा वर्क एक्सपीरियंस मुझे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है उसके बाद मुझे एक एग्जाम एग्जामिशन फी पे करना था हंड्रेड एंड एटी टू कनेडियन डॉलर जैसे ही मैंने ये contact, आपको सारे details, सारे करता है. तो बेसिकली आप अपने सारे डिटेल्स फिल करते हो एक साइन अप करते हो और आपका एक अकाउंट बन जाता है तो बेसिकली मुझे अब पता चल गया था कि एग्जाम नहीं देना है एग्जाम एग्जामिशन फी मैंने पे कर दिया था ऑनलाइन जाके ने अपना अकाउंट बना दिया था सीपीएचआर का नेक्स्ट प्रोसेस था एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जिसमें कि आपका जो टोटल जॉब एक्सपीरियंस है उसको कराया जाता है तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म फॉर्म भेजा था काफी लंबा चौड़ा होता है आपने जहां जहां काम किया है वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका आपने किस फील्ड में काम किया है एचआर के कौन कौन से मॉड्यूल्स आपने यूज किए हैं एग्जाम्पल्स देने होते हैं कुछ केस सिनेरियो देना होता है तो वो बहुत अच्छे से आपको फिल करना होगा प्लस आपको किसी ना किसी ओल्ड एम्प्लॉयर से वेरीफाई करवाना पड़ता है तो आप बेसिकली वो पूरा फॉर्म फिल करते हो और अपने किसी एम्प्लॉयर को भेजते हो और वो उस पर साइन करके दोबारा आपको भेजते हैं और वो साइंड फॉर्म जाता है अगेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सी पी एच आर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को और फिर वो वेरीफाई करते हैं कि आपका जॉब एक्सपीरियंस जो आपने बताया है वो करेक्ट है या नहीं वो मैच करता है या नहीं सी पी एच आर के लेवल से एंड देन फाइनली आ जाता है

इट डिपेंड्स कि आपने कहा से एमबीए किया है या फिर कहां से एच का पीजी डिप्लोमा लिया है आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है किस डिफरेंट एच फील्ड में आपने काम किया है और अगर आप करेंटली एच में ही काम कर रहे हो तो जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर्म होता है मेक श्योर sure आप अपने करेंट एम्प्लॉयर से ही वेरीफाई कराओ एक बार आपको सीपीएचआर का नंबर मिल जाता है आप उस नंबर को अपने रेज्यूमे में मैंशन कर सकते हो आप लिख सकते हो कि आपके पास सीपीएचआर डेजिग्नेशन है और इससे काफी अच्छा इफेक्ट मिलता है है इन डॉट सी ए बहुत ही अच्छी जॉब पोर्टल है कैनेडा की आप उसमें कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेस की जॉब ढूंढ लो बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि आपके पास सीपीएचआर का डेजिग्नेशन होना चाहिए कनाडा में आप कोई भी डेजिग्नेशन लेते हो कोई भी प्रोफेशन की आपको एक ईयरली फी पे करनी पड़ती है जो कि वेरी करती है प्रोविंस टू प्रोविंस तो बी में जो सीपीएचआर का इयरली फी है दैट इज 488 हैडियन डॉलर्स जो आपको ईयरली पे करना पड़ता है इन केस आप प्रोविंस टू प्रोविंस मूव करते हो फॉर एग्जाम्पल इनकेस आपने सीपीएचआर का डेजिग्नेशन बीसी में लिया है और आप आगे जाके अल्बर्टा मूव करते हो वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सीपीएचआर का अपना डेजिग्नेशन सिर्फ ट्रांसफर कराना होता है बीसी टू एल्बर्टा और उसके लिए सिर्फ एक फ़ी पे करनी होती है जो कि डिफरेंट होता है हर एक प्रोविंस के लिए और ये जो ईयरली फी होता है सीपीएचआर का ये भी डिफरेंट होता है प्रोविंस टू प्रोविंस वंस आपको अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाता है आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी आप डायरेक्ट उनके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो ई मेल पर बात कर सकते हो एंड द प्रोसेस इज वेरी वेरी ईजी इनकेस आपको एग्जाम भी देना है तो वो कम्प्लीटली आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन से कोर्स से एनरोल करना है किस तरह की स्टडीज करनी है वो है हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं कि आप स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा तो यू गेट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट तो ये डेजिग्नेशन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बस आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले आपको अपने प्रोविंस के वेबसाइट पे जाना है अस में जाके अपने सारे डिटेल्स के साथ उनको मैसेज करो आपको अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगा और उसके बाद आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है आई होप अब आपको सीपीएचआर का क्या प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज दूसरे वीडियोज चेक करना और अच्छा लगे तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन यू टेक केयर स्टे हैप्पी कीप स्माइलिंग एंड एज आई ऑलवेज से कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज बाय बाय